नानकमता विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण कर विधायक गोपाल सिंह राणा ने क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनी, जिसमें क्षेत्रवासियों ने बताया कि हमारे ग्राम के अंदर खासतौर से रास्ते को लेकर बड़ी ही परेशानियां होती है। जो रास्ते कच्चे हैं उन पर बरसातों में पानी भर जाता है और हमें बड़ी ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं उपस्थित कुछ ग्रामवासियों ने कहा, हमारे गांव में शमशान घाट की भी आवश्यकता है, एक मिलन केंद्र भी चाहिए। हम चाहते कि हमारे गांव में एक मंदिर का निर्माण भी होना चाहिए। वहीं उपस्थित विधायक गोपाल सिंह राणा ने बताया कि अब मैं आपके क्षेत्र का विधायक हूँ। नानकमता से अश्विनी दीक्षित की रिपोर्ट। विधायक जी यहाँ पहुँचे हैं तो क्या लगता है कि आपकी समस्याओं का समाधान है? बताना चाहता हूँ जी। हाँ, यहाँ पर पूरा भरोसा है कि विगत वर्षों की तरह जैसे हमारा विकास होते चला है, हमारे विधायक जी से पूछना चाहता हूँ क्या यहाँ एरन सेंटर आपको अच्छा संरक्षण मिलेगा और हमारे ग्राम गोविंदपुर का विकास होगा, अनुसूचित जाति बाहुल्य नहीं मिलती तो बताइए अगर एरन सेंटर। और हमें पूरा भरोसा है कि माननीय विधायक गोपाल सिंह राणा जी और काफी लंबे समय से ऐसा हर जगह विकास हो चुका है लेकिन हमारे गोविंदपुर में ऐसा नहीं हुआ और समस्या हमारे देखनी पड़ी है शमशान की। तो उन्होंने कहा था जैसे हमने इस बारे में कहा है तो हमें आश्वासन मिला है हमारी समस्या। मैं डॉक्टर रामपाल जिला अध्यक्ष जाति भाग समाधान करूँगा। तमाम जनता को जो मुझे आशीर्वाद और प्यार जो मेरी जनता ने दिया है मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूँ। दूसरा, इन्होंने जो अपेक्षाएं मेरे से की है मैं इनकी अपेक्षा उनके विश्वास में खरा उतरने की कोशिश करूँगा। और उन्होंने शमशान घाट की बात की, मैंने आज घोषणा कर दी है कि मैं अपने पहले बजट में जो मेरी विधायक निधि मिलेगी उस पहले विधायक निधि में मैं सबसे पहले इनका शमशान घाट बनाने का काम करूँगा। दूसरा, जो बाउंड्री वाल इन्होंने बात कही कि जो रविदास मंदिर की बाउंड्री वाल है इसका भी निर्माण कराऊंगा। एक धर्मशाला जो जीर्ण शीर्ण रूप में खड़ा है मेरे पीछे मैं उसको भी देखूंगा और जी को मिलाकर इसमें कितना पैसा लगेगा। तीन काम मैं इनसे कह के जा रहा हूं, तीन काम बहुत जल्दी होंगे, ये इसको वायदा करके जा रहा हूं, आश्वस्त करके जा रहा हूं। और जहां तक इंटर कॉलेज की बात है और सड़क की बात है क्योंकि जीओ हो चुका है, बहुत जल्दी मैं अपने विभागीय अधिकारी जो जेईई आएंगे उनको दिखाऊंगा इसकी बहुत जल्दी इसका काम की शुरुआत करें और जो रोड है वो जल्दी बनाए जिससे हमारे यहाँ की जनता उसका लाभ मिल सके। यहाँ हाई स्कूल की बात कही है इसको मैं शासन में देखूंगा। हमारे रामचंद्र जी ने बताया है कि साहब यहाँ पर जो है रोड का जीओ क्या नाम स्कूल का जीओ होने वाला था किसी कारण रुक गया है, मैं जाके देखूंगा कि वास्तव में कहाँ मामला रुका हुआ है। अगर वो थोड़ा सा कहीं अटका होगा उस बाधा को पार करते हुए हम इसको इंटर करेंगे। समस्या मैंने बहनों से वादा किया है यहाँ पर जो हमारी विधवा पेंशन विकलांग पेंशन राशन कार्ड की दिक्कतें हैं समस्या है उनको हम यहाँ शिविर लगाएंगे जिलाधिकारी का लेवल का शिविर लगा के इनकी जो समस्याएं हमारी बहनों की हमारे बुजुर्गों की तमाम समस्याएं उन समस्याओं का समाधान करने का मैं प्रयास करूँगा।